और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर एक नया खुलासा हुआ है। जी हां, बताया जा रहा है कि मसरत आलम की जो रिहाई थी वो पहले ही एक तरह से निश्चित हो गई थी, मुफ्ती सरकार के बनने से पहले ही इस पर फैसला हो गया था, जो नया खुलासा सामने आया है। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? जी श्वेता, ये साफ जाहिर है कि ये फरवरी माह में जो है जो इसका प्रोसेस शुरू हो गया था, जबकि मुफ्ती सरकार उस वक्त नहीं थी जम्मू कश्मीर में, और 4 फरवरी को जो है एडिशनल होम सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को लिखा था कि आपने नॉर्मली ये रूल होता है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जब भी किसी को डिटेन किया जाता है तो 12 दिन के बीच में जो है अप्रूवल जो लिया जाता है होम डिपार्टमेंट से, बट क्योंकि 23 दिन के बाद उन्होंने लेटर लिखा था इसलिए ऑलरेडी वो टेक्निकली लैप्स हो गया था। और मगर साथ ही उन्होंने लिखा है लेटर के बीच में कि अगर वो दोबारा डिटेन करना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है, मगर डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने इसका फ्रेश डिटेंशन ऑर्डर नहीं निकाला। उन्होंने SSP जम्मू को लिखा था 7 मार्च को कि क्योंकि होम डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है इसलिए इसको रिलीज किया जाए या कर दिया जाए या करना है इसको। तो साफ जाहिर है कि BJP ने अभी डिमांड की है कि जो इसके ऊपर इंक्वायरी की जानी चाहिए कि कौन से ब्यूरोक्रेट थे IPS और IAS ऑफिसर जिन्होंने इसमें डिले किया है और इसके बारे में इंक्वायरी की जानी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ वो डिमांड की है कि जिस तरह से वो मसरत आलम जो बयानबाजी कश्मीर में कर रहा है उसकी डिटेंशन ऑर्डर बन सकते हैं, दोबारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि उसका पूरा वीडियो सबके पास है और जिस तरह से वो बोल रहा है फ्रेश जो है ग्राउंड बन सकती है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के साथ दोबारा उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जी बिल्कुल अश्विनी, दोबारा मसरत आलम को गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि ये जो फैसला था ये उमर अब्दुल्ला सरकार में ही लिया जा चुका था। नहीं, ये जो बेसिकली उमर सरकार नहीं थी उस वक्त, जो है गवर्नर रूल था यहाँ पर और फरवरी के महीने में जो है उस वक्त जो है ये प्रोसेस हुआ था। उस वक्त गवर्नर NN वोरा जो थे यहाँ पर गवर्नर हैं, उस वक्त ये प्रोसेस शुरू हुआ था और वहां से ये टेक्निकलिटी जो है होम डिपार्टमेंट निकाली थी कि 12 दिन के बीच में उन्होंने अप्रूवल क्यों नहीं दिया होम डिपार्टमेंट से, इसलिए उनका डिटेंशन है इलीगल है। तो ये टेक्निकल जो गवर्नर रूल द्वारा हुआ था। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जब गवर्नर रूल था उसी समय मसरत आलम की रिहाई को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकलिटी की वजह से वो नहीं हो पाई थी पूरी कार्रवाई, इसलिए मुफ्ती सरकार से पहले रिहाई की तैयारी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही आ रही है कि PDP और BJP की जो सरकार बनी है उससे पहले ही ये फैसला ले लिया गया था, मसरत आलम की रिहाई को लेकर फैसला ले लिया गया था। गृह मंत्रालय ने भी चिट्ठी लिखी थी, दरअसल DM ने चिट्ठी लिखी थी गृह मंत्रालय को, 4 फरवरी 2015 को लिखी गई थी ये चिट्ठी। मसरत की रिहाई पर ये नया फैसला आया, ये नया खुलासा आया है जिसमें ये बताया गया है कि मुफ्ती सरकार बनने से पहले मसरत आलम की रिहाई को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई थी। DM ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। मसरत आलम मामले में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के गृह मंत्रालय की चिट्ठी पर जवाब मांगा है, सफाई मांगी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। कमलजीत संधु हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलजीत, क्या कुछ जानकारी इस मामले में? जैसे आपने बताया कि केंद्र ने राज्य सरकार से क्लारिफिकेशन मांगी है, जबकि हमें मालूम है कि लोकसभा और राज्यसभा में काफी बवाल हुआ था इसी बात को लेकर कि मसरत आलम को रिहा किया गया है। वो PSA के अंदर 27 मामलों में बुक था, लेकिन इसमें अब ये बात आ रही है कि जब पूरा मामला सामने आया है कि गवर्नर रूल के तरह के दौरान ये पूरा मामला उठा था और कार्रवाई हुई थी, इस वजह से एक क्लैरिफिकेशन मांगी गई है और जम्मू कश्मीर से वो जवाब मांग रहे हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू हुआ था और कैसे ये रिहाई हुई। हमें ये भी बताया गया हमारे सूत्रों द्वारा कि गृह मंत्री की बातचीत हुई है मुफ्ती सईद से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके बाद कोई और इसी जो सीरियस मामले के तहत बुक किया गया है उन्हें कोई सेपरेटिस्ट या अलगाववादी रिहा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल कमलजीत, यानी कि जो खबरें उठ रही थी कि और 15 लोगों को शायद रिहा किया जा सकता है तो उस पर अभी कम से कम विराम लग गया। बिल्कुल श्वेता, हमें ये बताया जा रहा है कि केंद्र ने और जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद ने उन्होंने कहा कि उनको काफी आक्रोश है कि जिस तरह से रिहा किया जा रहा है, काफी बवाल भी हुआ था उसके बाद गृह मंत्री ने भी जवाब दिया था और बोला था कि एक रिपोर्ट।